हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं एच वी अरोड़ा स्वागत करता हूं आपका एच वी अरोड़ा कॉमर्स क्लासेस में। आई होप आप सब घर पर सेफ होंगे और प्रॉपर प्रिकॉशंस ले रहे होंगे। बेटा अब केसेस जैसे कि कोरोना के बहुत ज़्यादा इंक्रीज होने लगे हैं, तो अब बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है। घर से तभी बाहर निकलें जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, वरना घर से बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलें। प्रॉपर प्रिकॉशंस लेते रहें, हाथ बार बार धोते रहें। मैं भी अपने घर से बिल्कुल बाहर बहुत ही कम निकलता हूँ। मैंने तो बल्कि काफ़ी टाइम तो हेयर कट भी नहीं लिया है, बाल भी इतने बड़े हो गए हैं। तो बहुत ज़्यादा अपना ध्यान रखें, जान है तो जहान है, ठीक है। तो बेटा आज इस वीडियो में हम किस बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज मैं आपसे CA कोर्स के बारे में चर्चा करने वाला हूँ। मैं आपको बताऊंगा CA कोर्स का क्या प्रॉपर प्रोसीजर होता है, कितनी स्टेजेस होती हैं CA कोर्स में, कैसे आपको ट्रेनिंग वगैरह उसमें करनी होती है, ठीक है। और साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊंगा उन स्टूडेंट्स को जिन्होंने अभी अपनी 12th क्लास के एग्जाम दिए हैं कि CA फाउंडेशन की प्रिपरेशन आप कैसे करें। मैं आपको टिप्स दूंगा कि कैसे आप CA फाउंडेशन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं बताऊंगा CA फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन कैसे करना है और उसकी लास्ट डेट क्या है रजिस्ट्रेशन की। तो आज हम CA कोर्स की काफ़ी डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो बेटा अपनी चर्चा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक अनाउंसमेंट देना चाहता हूँ कि हम जुलाई में अपने CA फाउंडेशन की कोचिंग स्टार्ट करने वाले हैं। जुलाई में 10th जुलाई तक आप लोगों के एग्जाम में, अभी बोर्ड के एग्जाम फ्रॉम 1st जुलाई टू 10th जुलाई, अभी तक CBSE के कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है, इसका मतलब एग्जाम अभी होने हैं। तो 10th जुलाई तक अभी आप अपने एग्जाम में फोकस करिए, मैं तब तक आपको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करूंगा। एग्जाम कंप्लीट होते ही आप तुरंत कोर्स ज्वाइन करिए हमारा CA फाउंडेशन का कोर्स। ये 13th जुलाई से हमारा बैच स्टार्ट होगा, ठीक है। 3 मंथ का ये बैच होता है, आपके नवंबर अटेम्प्ट के लिए है, ठीक है। तो सभी बच्चे इसको ज्वाइन करिएगा। स्टार्टिंग में आपको ट्रायल क्लास मिलेगी। अगर ऑफलाइन पॉसिबल हुआ तो हम ऑफलाइन कोर्स स्टार्ट करेंगे, अगर ऑफलाइन पॉसिबल नहीं हुआ तो कुछ टाइम हम ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे, और ऑनलाइन के बाद जैसे ही पॉसिबल हो सकता है, जैसे ही थोड़ा सा अनलॉक हो जाता है सब कुछ, तभी हम ऑफलाइन में उसको कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। लिमिटेड सीट्स होंगी क्योंकि बहुत ही कम स्टूडेंट्स का बैच हमें बनाकर रखना होगा। प्रॉपर सैनिटाइजेशन और प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हम काम करेंगे, तो इसलिए जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन कराइएगा। जो भी बच्चे इसमें इंटरेस्टेड होंगे, प्लीज़ अपना नाम, अपनी क्लास और अपनी डिटेल्स मेरे को प्लीज सेंड करिएगा, अपना नंबर सेंड करिएगा मेरे को, ठीक है, और मैं आपका रजिस्ट्रेशन कर लूंगा, ठीक है। तो चलिए अपनी चर्चा पहले आगे स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बेटा आज की चर्चा स्टार्ट करते हैं। मैं आपको अभी CA का पूरा प्रोसेस समझाने वाला हूँ। CA कोर्स में क्या प्रॉपर प्रोसेस होता है, क्या इसकी स्टेजेस होती हैं। तो बेटा सबसे पहले जैसे ही आप 12th क्लास क्लियर करते हैं, 12th क्लास क्लियर करने के बाद आपको सबसे पहले फर्स्ट स्टेज में एडमिशन लेना होता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है। फर्स्ट स्टेज का नाम है CA फाउंडेशन। ये एक तरीके से CA में एंट्री करने का एक तरीके से एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है। हालांकि इसमें 4 सब्जेक्ट होते हैं, 4 सब्जेक्ट में से 2 सब्जेक्ट आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं, इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, और 2 सब्जेक्ट आपके सब्जेक्टिव होते हैं, इसमें आपको पूरा रिटन एग्जाम देना होता है, ठीक है। इसकी फुल डिटेल में चर्चा इसी वीडियो में हम आगे करने वाले हैं, वीडियो को पूरी देखिएगा। अगर आपका CA फाउंडेशन एग्जाम क्लियर हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल नवंबर 2020 में आपने CA फाउंडेशन का एग्जाम दिया है, तो उसके 9 महीने बाद, ठीक है, नेक्स्ट अटैम्प्ट जो आपको मिलेगा लगभग जनवरी में इसका रिजल्ट आता है, जनवरी फरवरी में CA फाउंडेशन का, तो उसके 9 महीने बाद यानी कि नवंबर में आपको CA इंटरमीडिएट का अटैम्प्ट मिल जाएगा। CA इंटरमीडिएट हो, CA फाइनल हो या CA फाउंडेशन हो, एग्जाम आपके नवंबर और मई में ही होंगे, ठीक है। तो अगर आपने नवंबर 2020 में CA फाउंडेशन का एग्जाम दिया है, तो जब वो क्लियर होगा तो आपको CA इंटरमीडिएट का टाइम मिलेगा नवंबर 2021 में। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। CA इंटरमीडिएट में बेटा आपके 8 सब्जेक्ट होते हैं। ICAI ने आपको एक बेनिफिट दिया है कि आप अगर 8 सब्जेक्ट एक साथ नहीं देना चाहते हैं, तो आप उसको 2 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ICAI ने 2 ग्रुप में सब्जेक्ट डिवाइड कर रखे हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। दोनों में से आप कोई भी ग्रुप पहले दे लें और फिर दूसरा ग्रुप आप उसके बाद दे लें, ठीक है। आपका अगर पहला ग्रुप फॉर एग्जाम्पल नवंबर 2020 में क्लियर हो जाता है, तो सेकंड ग्रुप आप उसके तुरंत 6 महीने बाद दे सकते हैं, मई 2022 में। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। अब ग्रुप 1 ग्रुप 2 क्लियर करने के बाद दोनों में से कोई भी एक ग्रुप अगर आपका क्लियर हो जाता है, कोई भी एक ग्रुप, ठीक है, तो आप CA आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हैं। CA आर्टिकलशिप होता था ट्रेनिंग CA के अंडर, किसी भी CA फर्म के अंडर या किसी भी प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट के अंदर आपको ट्रेनिंग करनी होती है। ट्रेनिंग होती है बेटा 3 इयर्स की। कितने इयर्स की ट्रेनिंग होती है आपकी? 3 इयर्स की आपकी ट्रेनिंग होती है। सर ये तो बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा नहीं है बेटा, कोई भी अगर आप कोर्स करते हो तो इतना टाइम तो लगभग टोटल लग ही जाता है। आप इसकी भी डिटेल बताऊंगा। तो कोई भी ग्रुप दोनों में से आपका क्लियर हो जाता है, तो आप CA आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हैं, ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन ट्रेनिंग ज्वाइन करने से पहले आपको 4 वीक्स की एक ट्रेनिंग लेनी होती है। ये आपकी कंप्यूटर और टेक्निकल ट्रेनिंग होती है, ठीक है। इसका नाम है ICITSS, ठीक है। आई मेरी बात समझ में? ये 4 वीक्स की ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद ही आप CA आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हैं। CA आर्टिकलशिप आपके 3 साल की होती है, लेकिन आपके 2.5 इयर्स कंप्लीट होने के
बाद आप सीए फाइनल का अटेम्प्ट दे सकते हैं और बाकी बचे हुए 6 महीने के आर्टिकल चाहिए आप सीए फाइनल के बाद दे सकते हैं। सर ये क्या है इसके बारे में बात करता हूँ। जैसे ही फर्स्ट ग्रुप क्लियर हो जाता है मैंने आपसे कहा आप सीए आर्टिकलशिप ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि सीए आर्टिकलशिप ज्वाइन करने से पहले लेकिन आपको ICIDSS की आपको ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। तो फर्स्ट ग्रुप कोई सा भी दोनों में से ग्रुप क्लियर करने के बाद आप 1 महीने ट्रेनिंग लेंगे, उसके बाद सीए आर्टिकलशिप ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करने के साथ साथ ही आप सेकंड ग्रुप की तैयारी भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आप पहले सेकंड ग्रुप भी क्लियर कर लीजिए और उसके बाद सीए आर्टिकलशिप ज्वाइन करिए, आपके ऊपर चॉइस होता है, ठीक है, आपके कैलिबर के ऊपर, ठीक है। सीए आर्टिकलशिप ज्वाइन करने के बाद आप सीए के अंदर ट्रेनिंग लेते हैं, ट्रेनिंग चलती रहती है आपके साथ साथ, उसके लास्ट 6 महीने जब बच रहे होते हैं उससे पहले आपको सीए फाइनल का अटेम्प्ट मिल जाता है। लेकिन सीए फाइनल का अटेम्प्ट देने से पहले यानी कि सीए फाइनल के एग्जाम देने से पहले आपको एक और ट्रेनिंग लेनी होती है, AICITSS होती है, एडवांस ट्रेनिंग। अब सर ये होता क्या है ACITSS, ये होता क्या है? ये होता बेटा इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल, ठीक है, इसके फुल फॉर्म अभी आपको इतनी याद नहीं रखनी, और ये हो जाता है एडवांस इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा पर्सनल डेवलपमेंट कराते हैं आपका और थोड़ा सा कंप्यूटर की नॉलेज आपको इसमें थोड़ी सी देते हैं, ठीक है। सीए फाइनल के एग्जाम देने के बाद आप कंप्लीट सीए कहलाते हैं जब आपकी बची हुई 6 महीने की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग भी कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। सीए फाइनल में भी 2 ग्रुप हैं, आप अलग अलग करके 2 ग्रुप दे सकते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि सर सीए बहुत टफ है हम नहीं करना चाहते, ऐसा नहीं है। अगर आप में कैलिबर है आप अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, माइंड आपका शार्प है, अकाउंटिंग बहुत अच्छी लगती है, तो आप सीए कोर्स ज्वाइन करें और ज्वाइन करने के बाद आप उसको पढ़ाई करें और अच्छे से सीए बन के निकलें। और सीए एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है इंडिया में और उसकी काफ़ी वैल्यू है और आपके करियर स्कोप के लिए बहुत अच्छी आपकी चॉइस है। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, टफ कोर्स है थोड़ा सा, लेकिन अगर ऐसा नहीं है कि कोई कर ही नहीं सकता, कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रॉपर उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, प्रॉपर कोचिंग लेनी पड़ेगी, सिस्टमैटिक आपको चलना पड़ेगा, डिसिप्लिन आपको उसमें फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है, रेगुलरली स्टडी को टाइम देना पड़ेगा, तो आप आराम से इसको कर सकते हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। मेरे ऑलरेडी काफी स्टूडेंट सीए बन चुके हैं, तो आगे की हम अब चर्चा करते हैं। ये आपको समझ में आया होगा सीए कोर्स का प्रोसेस। एक चीज मैं आपको और बता दूं, सीए कोर्स जो होता है वो कोरेस्पोंडेंस कोर्स होता है। कोरेस्पोंडेंस मतलब इसकी कोई कॉलेज नहीं होता है, अगर आपको गलत फहमी है। बहुत सारे लोग आपसे बोलेंगे, कभी आप कहेंगे मैं क्या कर, कोई पूछेगा क्या कर रहे हो, आप कहेंगे सर मैं सीए कर रहा हूं, तो पूछेंगे कौन से कॉलेज से, तो इसका कोई कॉलेज नहीं होता है, कोरेस्पोंडेंस कोर्स होता है। इसका मतलब आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कराते हैं, इसकी जो गवर्निंग बॉडी है, गवर्निंग बॉडी मतलब जो इसको चलाती है, एक तरीके से बोर्ड हो गया, जैसे आपका CBSE बोर्ड होता है, तो सीए के लिए बोर्ड है ICAI, तो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ आप अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वहीं से आपकी बुक्स आती हैं, उन्हीं बुक्स को पढ़ के आपको आगे करना होता है। बहुत ज़्यादा कॉस्टली कोर्स नहीं है, जैसे अगर आप कोई बड़े बड़े कोर्स आप कर रहे हो तो 1 लाख रुपये 2 लाख रुपये फीस आपको देनी पड़ती है ईयरली, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत मामूली सी इसमें फीस जाती है, ठीक है ना। बस आपको थोड़ा सा कोचिंग में थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करना होता है, वो भी धीरे धीरे, एक साथ नहीं लगाना होता, तो आप इस कोर्स को चूज कर सकते हैं। अब मैं आपको सीए फाउंडेशन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज देने वाला हूं, आगे की चर्चा अब हम करते हैं, ठीक है। चलिए बेटा सीए फाउंडेशन के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि 12th क्लियर होने के बाद सीए फाउंडेशन सीए कोर्स का सबसे पहला स्टेप है, सबसे बेसिक स्टेप है, समझ में आया। अब क्योंकि आप लोगों ने अभी 12th के एग्जाम दिए हैं और आपके अभी एग्जाम्स कुछ बचे हैं, 2 एग्जाम बचे हैं, आई थिंक हिंदी का और बिजनेस स्टडीज का, 10 जुलाई तक CBSE ने डेट दी हुई है, 10 जुलाई तक आपके एग्जाम हो जाएंगे। लेकिन बेटा 10th जुलाई तक आपको वेट नहीं करना है सीए फाउंडेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की डिटेल सुन लो। सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट है वो है 30th जून। अगर आपको नवंबर 2020 का अटेम्प्ट चाहिए तो नवंबर 2020 में अगर एग्जाम देने हैं तो 30 जून से पहले पहले या 30 जून तक आपको रजिस्ट्रेशन करा देना है, समझ में आया। रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है? ICAI की वेबसाइट है icai.org, यहाँ जाइए, स्टूडेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर पूरा प्रोस्पेक्टस आपको डिटेल में मिलेगा। अगर कहीं रजिस्ट्रेशन कराने में प्रॉब्लम आ रही है तो मेरे नंबर पर मुझे व्हाट्सएप करिए, मैं आपको फुल डिटेल बताऊंगा, समझ में आई मेरी बात। लेकिन सबसे पहले रजिस्ट्रेशन आपको कराना है, रजिस्ट्रेशन फीस है 9,800 रुपीज़, यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। रजिस्ट्रेशन कराइएगा आप, आपको रजिस्ट्रेशन कराने के 10 से 15 दिन के अंदर अंदर पोस्ट से बुक्स आ जाती हैं, ठीक है। तो जब तक आप अपने एग्जाम्स देंगे 12th के जो रिमेनिंग एग्जाम है, तब तक आपकी बुक्स भी आ जाएंगी, उसके बाद ही आप लोग स्टार्ट कर पाएंगे पढ़ाई, यू आर गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आई, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन क्योंकि कराना कंपलसरी है तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिएगा, अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो फिर आपको मई 2020 का अटेम्प्ट मिलेगा, जो बहुत लेट हो जाएगा। अपने करियर को बिल्कुल भी लेट मत करिए, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके आप ICAI की वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए, अटेम्प्ट नवंबर वाला ही ले लीजिए, एग्जाम के रिजल्ट का वेट मत करिए, एग्जाम तो आपका क्लियर हो ही जाएगा,
यू आर गेटिंग माई पॉइंट। इसमें कोई परसेंटेज नहीं है कि आपको इतना परसेंट 60% चाहिए या 55% चाहिए एडमिशन लेने के लिए, आप ले सकते हैं एडमिशन, ठीक है। तो नॉर्मल परसेंटेज तो आपकी आ ही जाएगी, पास आप हो ही जाओगे। अगर आपको इतना तो भरोसा होगा कि पास तो हो जाओगे तो रजिस्ट्रेशन जरूर कराइए, 30 जून से पहले पहले रजिस्ट्रेशन कराइए। अब इसकी जानकारी देता हूँ मैं आगे की, ठीक है। अब सीए फाउंडेशन में ऐसे ही आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं, आपके पास आपकी बुक्स आ जाएगी। अगर बाय चांस बुक्स आने में लेट हो गया क्योंकि कोविड 19 की प्रॉब्लम चल रही है, हो सकता है पोस्ट से बुक आने में टाइम लग जाए, एक महीना भी लग जाए, तो ये सारे ये पेपर के मैंने नाम लिख दिए हैं, पेपर वन, पेपर टू, पेपर थ्री, पेपर फोर, ये सिलेबस है आपका। ये चारों पेपर्स की पीडीएफ बुक, ठीक है, वो आपको आईसीआई की वेबसाइट पर ही मिल जाएगी, ठीक है। स्टूडेंट काउंसिल में बोर्ड ऑफ स्टडीज के सेक्शन पर आपको ये पूरी बुक की पीडीएफ मिल जाएगी। किसी को नहीं मिली अगर बुक्स नहीं आई और बुक्स आप पढ़ना चाह रहे हो, देखना चाह रहे हो, मुझे आप व्हाट्सएप कीजिएगा इस नंबर पर, मैं आपको लिंक भेजूंगा, वहां से आप बुक्स सारी डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, ठीक है, कोई उसका फीस नहीं है, ठीक है, लीगली डाउनलोड कर सकते हैं, कोई इलीगल भी नहीं है, ठीक है। तो ये बुक्स आपको मिलेंगी, ये पेपर है, इस पेपर के बारे में आपको जानकारी देता हूं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं वो सेल्फ स्टडी करिए, मैं बताऊंगा कैसे करना है। जो बच्चे सेल्फ स्टडी नहीं, कोचिंग लेना चाहते हैं, कोचिंग लेना वैसे बेटर है, आपके मार्क्स थोड़े अच्छे जाते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हो जाता है, टाइम वेस्ट नहीं होता है। तो जो बच्चे कोचिंग भी लेंगे, मैं आपको बता देता हूं स्टार्ट कैसे करनी है पढ़ाई। जो बच्चे फिलहाल घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, बेटा सबसे पहले आप वो पेपर स्टार्ट करो जो आपने सब पहले पढ़ा हुआ है। आपने प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, ये अकाउंटिंग है, आपने 11 12 में पढ़ी हुई है, इसमें बहुत सारे वो चैप्टर्स हैं जो 11 12 में पढ़े हुए हैं आपने, ठीक है, जैसे कि कंपनी अकाउंटिंग, पार्टनरशिप अकाउंटिंग और साथ में एनपीओ, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले इस सब्जेक्ट को उठाइए और वो चीजें रिवाइज करिए जो 11 12 में पढ़ी हुई है, और इसकी बुक्स के जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो सॉल्व करिए। इसके अलावा आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा हुआ है, आप इकोनॉमिक्स को पढ़िए। जिसने मैथमेटिक्स ली हुई है 11 12th में, वो मैथ्स स्टार्ट करें। अब सर मैथ्स तो हमने ली नहीं हुई, तो यहां तो मैथ्स आ गया, हमें तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। नहीं, रिलैक्स, अभी प्रॉब्लम नहीं हुई है, समझाता हूं। बेटा सीए फाउंडेशन में चार पेपर है, सबसे पहला प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें अकाउंट्स है, 11 12th का अकाउंट है, दो चार चैप्टर एक्स्ट्रा है, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आसान है, ठीक है। चारों ही पेपर 100 मार्क्स के हैं, ठीक है। इसके बाद पेपर टू बिजनेस लॉ एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, इसमें आपको बेटा लॉ पढ़ने को मिलेगा, ये बिल्कुल नया टॉपिक आ जाता है, लॉ बिल्कुल नया सब्जेक्ट आ जाता है, तो इसको अभी मत उठाइएगा। जो बच्चे लॉ पढ़ना स्टार्ट कर दिया है जिन्होंने कि सर हम लॉ इंटरेस्टिंग लग रहा है, तो लॉ पढ़ने का भी तरीका है, पहले इजी चैप्टर उठाइएगा, पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मत उठाइएगा, वो बहुत बड़ा है, आप सेल्स ऑफ गुड एक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, और इजी आप कंपनी लॉ स्टार्ट करिए, इसमें कंपनी लॉ भी है, कंपनी लॉ स्टार्ट करिए, कंपनी के बारे में थोड़ा सा 11 12 में भी आपने पढ़ा हुआ है, तो अगर लॉ स्टार्ट कोई कर चुका है तो कंपनी लॉ से स्टार्ट करिएगा, ठीक है। तो लॉ वैसे मेरे हिसाब से लास्ट में पढ़िएगा, ठीक है, अगर सेल्फ पढ़ रहे हो तो, मतलब लास्ट में, मतलब पहले इन दोनों से अपनी कमांड बना लीजिए, अपना रूटीन में आ लीजिए, उसके बाद थोड़ा सा बाद में इसको स्टार्ट करिएगा। इसके बाद बिजनेस मैथमेटिक्स, जिसने मैथमेटिक्स 11 12 में ली हुई है अच्छी बात है, इसने नहीं ली हुई है उसके लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जो मैथमेटिक्स है यहां पर ये तीन पार्ट में डिवाइड है। बिजनेस मैथमेटिक्स 40 मार्क्स का आएगा, लॉजिकल रीजनिंग भी 40 मार्क्स का आएगा, और स्टैटिस्टिक्स भी 40 मार्क्स का आएगा। मैं ब्लैक पेन से चलो अब लिख दिया तो कोई बात नहीं, ये 40 सॉरी ये लॉजिकल रीजनिंग 20 मार्क्स का आएगा और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स आपका 40 मार्क्स का आएगा, ठीक है। तो 40 मार्क्स हो गए आपके बिजनेस मैथमेटिक्स के, 20 मार्क्स लॉजिकल रीजनिंग के और 40 मार्क्स स्टैटिस्टिक्स के। बिजनेस मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है इसमें 11 12th वाली मैथमेटिक्स नहीं है, सिर्फ एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, उसके अलावा वो चैप्टर्स हैं जो आपने अभी तक 10th में पढ़े हैं, ठीक है, जैसे कि रेशियो प्रोपोर्शन निकालना, सेट्स निकालना थोड़ा बहुत, ठीक है, और कॉस्ट प्राइस निकालना, ठीक है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट वगैरह टाइप के, इस टाइप के थोड़े से आपके मैथमेटिक्स के क्वेश्चन हैं। अगर आपने 11 12th में मैथमेटिक्स नहीं पढ़ी तब भी आराम से सॉल्व हो सकता है, और कोचिंग आप लेंगे तो बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा मैथमेटिक्स, डोंट वरी अबाउट दैट। लॉजिकल रीजनिंग, ये आपकी रीजनिंग है, ये नए तरीके का सब्जेक्ट है, इसमें आपको रीजनिंग लगानी होती है, वो भी आपको समझाया जाएगा, और स्टैटिस्टिक्स थोड़ा सा आपने पढ़ा हुआ है 11 क्लास में। इसके अलावा फोर्थ पेपर आता है बिजनेस इकोनॉमिक्स, में इकोनॉमिक्स की डिटेल है, और बिजनेस कमर्शियल नॉलेज में आपकी बिजनेस स्टडीज की थोड़ी सी नॉलेज आपकी इसमें मिल जाती है। यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो चार पेपर हैं आपके, इन चारों की आपको स्टडी करनी होती है, चारों के हमारे पास अलग अलग टीचर्स हैं, स्पेशलिस्ट टीचर हैं, ठीक है। तो ये चारों सब्जेक्ट आपको प्रॉपर कोचिंग इसकी मिलेगी। अगर आप सेल्फ पढ़ना चाहते हैं तो पहले वो सब्जेक्ट स्टार्ट करिए जो आपका थोड़ा सा पहले से आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है, वरना बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आ जाएगी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन कराना है, 30 जून से पहले पहले रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा लीजिएगा, ठीक है। सीए फाउंडेशन का रजिस्ट्रेशन 30 जून से पहले पहले करा लीजिएगा, वरना एक अटैम्प्ट लेट हो जाएगा, एक अटैम्प्ट लेट होना बहुत बड़ी बात होती है, 6 महीने बाद फिर आपके एग्जाम होंगे, समझ में आया। आपके फ्रेंड्स पहले ही क्लियर कर चुके होंगे, आप फिर बाद में क्लियर करेंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराइएगा।
चलिए आज की क्लास मैं अभी यहीं तक रखता हूँ। एक बार फिर मैं अनाउंस करूँगा कि हम 13th जुलाई से हम लोग अपना बैच स्टार्ट करेंगे। ऑनलाइन हो सकता है तो ऑनलाइन स्टार्ट करेंगे, और ऑफलाइन पॉसिबल हुआ तो हम ऑफलाइन स्टार्ट करेंगे। बट आप लोग अपना पहले डिटेल्स मेरे को सेंड करिए, नंबर आपको फ़ोन पे आ रहा होगा नीचे वीडियो में, ठीक है। तो इसमें आज नंबर पर आप अपना मेरे को नाम, अपना स्कूल, ठीक है, मेरे को सेंड करिए, और आपका मैं रजिस्टर कर लूँगा, आपको रजिस्ट्रेशन आपका मैं कर लूँगा, और फिर आपका 13 जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। यू आर गेटिंग माई पॉइंट? तो चलिए, फीस वगैरह की डिटेल मैं आपको तभी बताऊँगा आप लोग जब मेरे से लिंक होंगे, अपना मेरे को डिटेल सेंड करेंगे तो मैं आपको फीस वगैरह की डिटेल सेंड करूंगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, और इसकी पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मेरे को सेंड कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। आई होप दिस क्लास इज क्लियर टू यू ऑल। अगर अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ठीक है, और अपने अदर फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।